गाइस कैसे हैं आप सब लोग, अच्छे और अच्छे बने रहना। तो गाइस सबसे पहले तो माफी मांगना चाहूंगा आप लोगों से कि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। और वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको कभी इत्मीनान से अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूं, क्योंकि इस टाइम बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम ये है कि वो अकेडमी जाना चाहते हैं, बट उन लोगों को पता नहीं है कि अकेडमी चूज कैसे करी जाती है, वहाँ पे क्या क्या देखना चाहिए अकेडमी जाते समय। और पहली बात, उन्हें अकेडमी के बारे में कुछ उतना नॉलेज नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए और अच्छी बात भी है इस वीडियो में कि आप लोगों को एक अकेडमी के बारे में पता भी चल जाएगा, जो कि है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसका लोकेशन कवर्धा है। बाकी जो पूरी लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, और आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो है। और इस वीडियो को जितना हो पाए अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि मेहनत भी होती है साथ साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है अकेडमी में? कोचेस। तो इसमें BCCI लेवल 2 के कोचेस है, और साथ साथ जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस होता है कोचेस को, वो भी यहाँ पे आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। और साथ ही साथ साथ 10 टर्फ विकेट्स यहाँ पर हैं, और एक सीमेंटेड विकेट्स है, उसमें सीजन बॉल यूज़ नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ग्राउंड छोटा नहीं है, 70 मीटर वाला ग्राउंड है, जिसमें 3 सेंटर विकेट्स होंगी। और यहाँ पे मैचेस का कोई लिमिट नहीं होता, जैसे कि बहुत सारी अकेडमीज होते हैं कि एक एक मैच कराया जाता है संडे या फिर, तो यहाँ पर वैसा कोई लिमिट नहीं है। और गाइस, जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग छत्तीसगढ़ में नहीं अवेलेबल हो, बाहर रहते हो, दिल्ली मुंबई या कहीं पे भी रहते हो, तो ऑब्वियसली आपको अगर वहाँ पर आना है तो आपको फैसिलिटीज़, हॉस्टल फैसिलिटीज लेनी पड़ेगी। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ में क्या क्या अवेलेबल है आपको मैं वो बता देता हूँ। पहले बात करते हैं फूड की। फूड में यहाँ 7 times मील रहती है, जिसमें अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग स्प्राउट्स, आफ्टर फिटनेस सेशन प्रोटीन पाउडर, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और ड्रिंक और मिल्क। ठीक है, और हाँ एक डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे बहुत लोग ये करते हैं कि उस हॉस्टल पे जाते तो हैं, मतलब अकेडमी में जाते हैं, बट वो हॉस्टल नहीं अवेलेबल करते, बाहर एक रूम रेंट पे ले लेते हैं, बट ऐसे यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है, कंपलसरी है कि आपको उसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो हिसाब से अपना डाइट रूटीन सब कुछ रख रखा है, उस हिसाब से आप लोगों को वो फॉलो करवाएंगे। और जो भी मेरे यहाँ पे गर्ल्स व्यूअर्स हैं, तो वहाँ उनके लिए भी अकेडमी अवेलेबल है, सेम जो मैंने आपको बताया फैसिलिटीज़ आपको भी सेम प्रोवाइड करवाई जाएगी। और नॉन रेसिडेंशियल नहीं है यहाँ पर, आपको भी फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर हॉस्टल देना पड़ेगा। और इस एकेडमी में जिम सेशन भी अवेलेबल है, डेली ग्राउंड फिटनेस है, और वीक में 2 बार यहाँ पर वीडियो एनालिसिस होता है, ताकि हर एक प्लेयर जो कि बिगनर हो या फिर अच्छा खासा खेलता हो, वो इसकी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ उठा पाए। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार ना ऐसा होता है कि प्लेयर्स को प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, वो लोग एक साइड में कॉर्नर पर खड़े रह जाते हैं, प्रॉपर उनको बैटिंग नहीं मिल पाती है, कुछ नहीं पड़ती। तो इसलिए वीक में 2 बार यहाँ पर होगा इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोग इजीली यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज उठा पाओ। और गाइस इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, गेम्स नॉलेज, मेंटल स्ट्रेंथ, लीडरशिप, यूनिटी, कैसे आगे जाना है, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और सबसे अच्छी बात इस अकेडमी की ये है कि ये CSCS के साथ एफिलिएटेड है, ठीक है। और उससे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इंडोर फैसिलिटीज भी है, इंडोर 5 विकेट्स यहाँ पे फैसिलिटीज़ बनेंगी, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप बहुत सारे अकेडमी में चले जाते हो, वहाँ पे इंडोर फैसिलिटीज़ नहीं होती है। सो जैसे कि जून जुलाई का जो महीना होता है उसमें बारिश होती है, तो आप लोग प्रैक्टिस कहाँ करोगे, सिवाय कैचिंग के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बारिश में कि हम लोग उससे ज़्यादा कुछ कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पर इंडोर फैसिलिटीज़ है, 5 विकेट्स बन रही हैं, ताकि आप लोग बारिश के सीज़न में भी आप लोग यहाँ पर प्रॉपर जो हॉस्टल फैसिलिटीज़, जो यहाँ पर सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ आप लोग प्रॉपर उठा पाओ और एक अच्छे क्रिकेटर बन पाओ, तो यहाँ पे वो सारा यहाँ पर अवेलेबल होगा। और गैस यहाँ पे बॉलर के लिए स्पीड गन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जो कि हर 2 हफ्ते में चेक करा जाएगा कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, उस हिसाब पे आपके ऊपर वर्क करेंगे कोचेज वहाँ पे जितने भी हैं, वो आपके ऊपर वर्क करेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, अगर नहीं बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ रही है, तो उस पर वर्क करा जाएगा। तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल भी हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे स्विमिंग पूल है, लाइब्रेरी है, जैसे भी वो कम्प्लीट होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपकी प्रॉब्लम एक ये भी होगी ना अपनी अकेडमी में, जो कि लोकल अकेडमीज में होती है ज़्यादातर, कि वहाँ पर जो उनके खुद के ग्राउंड होते हैं वो कंपनी वाले को दे दिए जाते हैं कि आप लोग यहाँ पे मैचेस खेलो, ठीक है, हमें पैसे दे देना, कुछ ज़्यादा पैसों के चक्कर में। वहाँ यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आप लोगों को, CSCS को ये बस ये लोग प्रोवाइड करवाएंगे जब मैचेस के लिए, बाकी सारा टाइम आपका ही ग्राउंड है, आप ही मैचेस खेलोगे वहाँ पर। और सेपरेट यहाँ पर आपका पवेलियन एंड बनेगा, पूरा एक बॉक्स होता है जिसमें आप लोग खुद के लाइव मैचेस भी देख सकते हो, जैसे खेल रहे हो, तो वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और KVCOC आपको एक चांस भी देते हैं, जैसे कि बहुत सारे अकेडमी में आपको वो चांस नहीं मिलता है फीडबैक का, कि अगर आप लोग अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे जाकर आप किसी प्लेयर से फीडबैक ले सकते हो। वहाँ जैसे आप लोग ज्वाइन करने जाते हो अकेडमी में, तो सबसे पहले क्या करते हो, आपका डोनेशन वगैरह सब कुछ लेने के बाद बोलते हैं फीडबैक ले लो, तो क्या फ़ायदा,
उससे पहले आप लोग जब ज्वाइन करने जाओगे एकेडमी, तो उससे पहले आप लोग वहाँ के प्लेयर से फीडबैक लीजिए, ठीक है। अगर आपको जमता है तो आप लोग एडमिशन भी ले सकते हो उसके बाद। अब बात करते हैं फीस की, तो यहाँ पे जो फीस है, यहाँ पे 2 लाख इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ये मंथली नहीं है, ये ईयरली है पूरा। बहुत लोग ये सोचेंगे कि क्या हम लोग को इसको एक बार में पे करना है, तो एक बार में नहीं पे करना है, वो आपकी मर्जी है। वैसे आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग 4x4 मतलब कि 4-4 महीने में आप लोग यहाँ पर पूरी अकेडमी की फीस पे कर सकते हो। सारी फैसिलिटीज इसमें इंक्लूडेड होंगी। सो गाइस, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी चाहिए थी, आई होप कि मैंने आपको दे दी होगी। कुछ कुछ अगर रह गई होगी तो आप लोग डायरेक्ट अकेडमी वालों से बात कर सकते हो। इनका नंबर, व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर मैंने आपको नीचे दे रखा है प्रॉपर एड्रेस के साथ, पिन कोड भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो आप लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अकेडमी से जाके ले लीजिए, वो आपको क्लियरली आपको सब कुछ बता देंगे, चाहे आपका फीस स्ट्रक्चर हो या फिर कोई भी अदर फैसिलिटीज आपको चाहिए, तो वो आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।